खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। इस वक्त एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, जहां पर भारत और चीन के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है। 29 और 30 अगस्त की रात को एक झड़प हुई थी जिसमें कई जवान शहीद हुए थे। एक बार फिर से चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की है। भारत और चीन के बीच अभी फ्लैग मीटिंग चल ही रही है कि इस बीच एक बार फिर से सीमा पर झड़प हुई है। चुशूल में कमांडर स्तर की बैठक हो रही है, छठे स्तर की ये बैठक है। इससे पहले 5 बार की जो वार्ता रही है वो विफल रही है, लेकिन इस बीच देखिए एक बार फिर से चीनी सैनिकों की तरफ से हिमाकत की गई है और घुसपैठ की कोशिश की गई है। एलएसी पर एक बार फिर से चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की है। भारत और चीन के बीच में एक बार फिर से झड़प हुई है। इससे पहले भी 29 और 30 अगस्त को हिंसक झड़प हुई थी जिसमें कई चीनी सैनिकों के घायल होने की खबर भी आई थी, साथ ही साथ भारतीय सैनिकों की शहादत भी हुई थी। अभी इस पूरे घटनाक्रम को कुछ ही समय बीता है और एक बार फिर से एलएसी पर एक झड़प हुई है जिसकी जानकारी इस वक्त मिल रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 29 और 30 अगस्त की रात को एक हिंसक झड़प हुई थी जिसमें चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था। इसमें कई सैनिक शहीद हो गए थे, कई सैनिक घायल हुए थे, चीनी सैनिकों को भी नुकसान पहुंचा था। लेकिन एक बार फिर से चीन की तरफ से ये कायराना हरकत की गई है। भारत और चीन के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है। कोर कमांडर स्तर की कई दौर की बातचीत विफल रही है। इससे पहले चीन की तरफ से नर्म रुख जरूर अपनाया गया था, लेकिन देखिए जिस तरीके से चीन को लेकर हमेशा से कहा जाता है कि चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, चीन इसे सही साबित करता हुआ एक बार फिर से नजर आ रहा है। एक तरफ कमांडर स्तर की बात चल रही है, चुशूल में कमांडर स्तर की बैठक हो रही है और इस बात पर मंथन हो रहा है कि कैसे एलएसी पर तनाव को कम किया जा सकता है। एके जनरल चतुर्वेदी हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं जो डिफेंस को बहुत करीब से देखते हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सर बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका। सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी कुछ ही वक्त बीता है जब एक हिंसक झड़प में हमने अपने कई सैनिक खो दिए और एक बार फिर से चीन की तरफ से हिमाकत की गई है, कैसे देखते हैं आप इसे? एक तरफ चीन बातचीत की पहल करता है और दूसरी तरफ झड़प करता है। ऐसा है कि चीन में दो धड़े साथ साथ काम कर रहे हैं। एक उनके डिप्लोमेटिक चैनल है और पॉलिटिकल चैनल है जो कि बातचीत का हिमायत करता है जी। जैसे कि उनके वांग जी ने या जो उनके एम्बेसडर हैं वो ये कहते हैं कि हमारे रिलेशन बहुत पुराने हैं, और दूसरा जो पीएलए है वो एक अपना कार्रवाई कर रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज जो है कि एलएसी क्योंकि अनडिफाइंड थी तो इसलिए वहां पे ये हो रहा है, और अभी जो उन्होंने ये नोंगसो एरिया में किया है यहाँ पे भी वही है कि वो फिंगर 5 तक में बैठे हुए हैं, फिंगर 4 में आ रखे थे और वहां पे जब बातचीत थी तो फिंगर 5 पे चले गए, लेकिन ऊपर के जो हाइट थे उन्होंने नहीं खाली की। तो ये जो प्रोवोकेटिव एक्शन है कि वो आपको प्रोवोक कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में कि ऐसी अभी बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी जो इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, और हम तो मतलब सब इसका तरकीब एक ही है कि चीन सिर्फ उसको ही समझता है जो उसकी आंखों में आंखें डाल करके उसके सामने खड़ा रहता है। तो जो उन्होंने दोबारा एक कोशिश की जो उन्होंने गलवान में किया था वैसे उन्होंने तेगांसो में कोशिश की है, तो इसमें हम लोगों को इसे बिल्कुल भी ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर सुना है कि उनके इसमें ये जो एक्शन हुआ है इसमें कई 35 लोग और मारे गए हैं। तो ठीक है, वैसा ही चलता रहेगा अगर वो। सर इससे पहले जब ये झड़प हुई थी तब सेना को फ्री हैंड दिया गया था, ये कहा गया था कि अब सेना बिल्कुल इस चीज के लिए फ्री है कि वो अपने हिसाब से एक्शन ले सकती है। इसमें हथियारों की बात भी हुई क्योंकि पहले इससे पहले जो प्रोटोकॉल्स थे उसके हिसाब से हथियार नहीं रखे दिए जा सकते थे। 93 की जो ट्रीटी है उसमें 93 की ट्रीटी में ये था कि वो हथियार नहीं यूज करेंगे। इंडियन आर्मी को फ्री हैंड है। इस फ्री हैंड के तहत अब किस तरह का एक्शन चीन के खिलाफ लिया जा सकता है, क्योंकि ये दूसरी बार है जब चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की है, अब इस
स्टेज पे कैसे एक्शन हो सकता है? देखिए ऐसा है कि चीन चाहता है कि इसको वो एक्सेलरेट करे, इसको थोड़ा और बढ़ाए जी, तो है इसको जितना हम इसको लोकलाइज रखेंगे वो हमारे हित में है। तो इसमें यह है कि फौज का जो लोकल कमांडर होगा उन्होंने अपना निर्णय लिया, क्योंकि एज फार एज आर्मी को फ्री हैंड है इस वक्त उनको, और ये जो 93 का पैक्ट है उससे आप गवर्न नहीं हो कि अगर आएंगे ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे जी। तो इनको जो चलिए शायद बहुत क्लियर हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो ये देखिए एक बार फिर से भारत और चीन के बीच में झड़प हुई है, चुशूल में कमांडर स्तर की बैठक हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ चीनी सैनिक पेंगोंग लेक इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे जिसे भारतीय सैनिकों ने रोका है और इस बीच ये झड़प हुई है। तय सीमा को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश चीनी सैनिक कर रहे थे जिन्हें रोकने की कोशिश यहां पर भारतीय सैनिकों की तरफ से की गई है और इसी कोशिश में ये झड़प हुई है। एक तरफ कमांडर स्तर की बैठक चल रही है, बातचीत से मसले को सुलझाने का प्रयास हो रहा है, तनाव को कम करने का प्रयास हो रहा है, एक तरफ चीन पहल कर रहा है इस तरह की वार्ता का, लेकिन दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से चीन अपना लगातार जो चेहरा है वो दुनिया के सामने रखता नजर आ रहा है। इससे पहले भी 29 और 30 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों की तरफ से भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की गई थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।